हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट में, जहां मैं पूरी टीम के साथ आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और एक बात ध्यान रखें कि आज का जो हमारे पास सेशन होने वाला है बहुत ही दमदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्लू, एक एक पॉइंट लिख लेना, पेन पेपर रख लो, क्योंकि ये जो ट्रिक बताऊंगा वो सभी इक्वेशन पे एप्लीकेबल है। और जो IBPS RRB PO मेंस का पेपर होने वाला है, चाहे RRB PO मेंस के बारे में बात कर लें या RRB क्लर्क मेंस के बारे में बात कर लें, उन दोनों एग्जामिनेशन में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें थोड़े से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना आपको, आपके काम बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करूँ मैं आज का सेशन, जिसमें अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट में अभिजीत मिश्रा सर हैं, लोकेश शर्मा सर हैं, नरेंद्र कुमार सर हैं, निमिषा बंसल मैम हैं और मैं खुद हूँ। अभिजीत मिश्रा सर GN करंट अफेयर के लिए, चूंकि बेहतरीन उम्दा नंबर पे कंटेंट देते ही देते हैं, आप सभी लोग मानते हैं ये बात। एंड दूसरे नंबर पे लोकेश शर्मा सर, आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि क्वांट के लिए बेहतरीन फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। नरेंद्र कुमार सर, निमिषा बंसल मैम इंग्लिश के लिए, और मैं श्याम आचार्य आप सभी लोगों के साथ बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करने के लिए? दैट इज रीजनिंग के लिए। अब मैं बात कर लूँ, अपना जो सेशन है वो कंप्लीट रीजनिंग का पार्ट है। ये कंप्लीट रीजनिंग के पार्ट में हम सभी लोग आज सीखने वाले हैं, दैट इज LSN रूल ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। LSN लेटर सिंबल नंबर का जो रूल है हमारे पास, वो हम सभी लोग सीखने वाले हैं वन बाय वन, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं LSN। लेटर नंबर सिंबल वाले नहीं होते, वो जो हमारे पास लिखा होता है गेट अवे फ्रॉम हियर का कोड लिखा हुआ है, *6F39 ऐसे ऐसे कुछ, जो सारे सिंबल्स लेटर्स और नंबर्स को मिक्स करके हमारे पास कोड बनाया जाता है, वैसा वाला कोड जो हमारे पास होता है। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं श्याम असारे कंप्लीटेड माय BSc फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ, और 7 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। मंडे टू संडे सुबह 11 बजे मेरी क्लास चलती है प्रीलिम्स की, शाम को 5 बजे क्लास चलती है मेरा मेंस का। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल कुछ यूँ दिखेगा, इससे अपग्रेडेड प्रोफाइल है। आप सभी लोग, अभी ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, आप सभी लोग चूज़ कर लेंगे। आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप सभी लोग क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, आपको बैंक एग्जाम्स गोल सेलेक्ट करना है। बैंक एग्जाम गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन पैकेट पर जाना है और रेफरल कोड SA यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? SA रेफरल कोड से फ़ायदा क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा। SA रेफरल कोड से आप सभी लोगों को 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। आप सभी लोगों को ध्यान रखेंगे, जैसे 5,000 रुपये है, 1 तारीख से पहले आज आई थिंक लास्ट डेट है, आज ही आज आप सभी लोगों को लेना होगा इसे। अगर आज नहीं ले पाते हैं तो फिर उसके बाद कल भी एक मौका मिलेगा आप सभी लोग, कल मंडे है, कल 30th है, कल भी आपके पास एक मौका रहेगा, लेकिन आज के आज ही ले लीजिए, संडे आराम बिंदास ले लीजिए। SA यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 5,000 के बजाय 4,500 पे करना होगा, 10% डिस्काउंटेड प्राइस। डेस्कटॉप यूजर्स भी अपने पास unacademy.com ओपन करेंगे, उसके गोल सेलेक्ट करेंगे बैंकिंग प्लस सेक्शन में जाके, उसके बाद आप सभी लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए 5,000 रुपीज़ में। SA यूज़ करिए, ये 5,000 ना होके ये 4,500 हो जाएगा, आपके पास डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के लेते हैं तो 8,000 ना होके 7,200। 1 तारीख से यानी परसों से हमारे पास इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, तो इससे पहले पहले आप सभी लोग अवेल कर लें। और साथ ही साथ इतना जरूर ध्यान रखें, 1 in 3 बेस पजल की क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी है, कल सेकंड क्लास होने वाली है, आज संडे है तो आज मेरा ये क्लास आ जाएगा। और अनअकैडमी प्लस पे 1 in 3 रूल बेस जो पजल की क्लासेस है ना, उसे अटैम्प्ट करना है, आपको धमाल मचाना है और असम लेवल पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाना है, छोड़ना नहीं है कोई भी सेशन, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग को अवेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज LSN रूल जो है कोडिंग डिकोडिंग का, उसे क्या है हमारे पास। तो जल्दी से आप सभी लोग अपने फटाफट, अभी का टाइम है, आप सभी लोग शेयर करके अपने सारे फ्रेंड्स एंड ऑल को बता दीजिए, शेयर कर दोगे तो सभी तक पहुंच जाएगा। मैं तब तक आप सभी लोग को 2-3 बातें और बता दे रहा हूं। मेरा मंडे टू सैटरडे खासकर स्पीड क्विज होता है मॉर्निंग में 11 बजे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अवेल करते करते हैं। अब एक्स्ट्रा चीज क्या बच गई, सिर्फ पजल का, तभी तो प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपके पास वो है। तो अब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अटेम्प्ट करना या कराना पड़ेगा किसके साथ, आपके अपने पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे जाके, जहाँ के लिए आपको जिनके पास है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन वे लोग तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जो लोगों के पास नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग नहीं उठा पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप SA रेफरल कोड के साथ 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी लोग क्या कर लें, आप सभी लोग अवेल कर लें अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, ताकि आप सभी लोग उस कोर्स को भी देख सकें और बाकी फैकल्टीज का भी देख सकें, नुकसान नहीं जाएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो देख लें, चलिए स्टार्ट करते हैं LSN रूल। LSN क्या होता है, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं LSN। LSN एक्चुअली लेटर नंबर
सिंबल, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास एक पजल्स जो बनाए जाते हैं वो हमारे पास बनता है, जो कोडिंग डिकोडिंग का सेट बनता है वो हमारे पास बनता है। ये एक बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चन को सेट करने का। इन्हीं से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले वो लेटर नंबर सिंबल, लेटर सिंबल नंबर में हमारे पास सबसे पहला हमारे पास है वो लेटर। लेटर के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है उसके रूल्स हमें वन बाय वन पढ़ना है। तो चलो आओ ध्यान दें, सबसे पहले हमें लेटर के लिए जानना होगा कितने रूल्स होते हैं। तो टोटल तीन रूल होते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। पहला रूल बोलता है कि हो सकता है जो कोड में जो लेटर यूज किया गया है, ध्यान से मेरी वर्डिंग सुनना, अप्लाई करना, कोड में जो लेटर यूज किया गया है वो हो सकता है किसी भी, किसी लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर सेकंड लास्ट लेटर हो सकता है, सीक्वेंस भी यही रखिएगा चेक करने का, लास्ट लेटर हो सकता है या फिर कोई भी बीच में का एक लेटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास सेंटेंस हो, सेंटेंस में हमारे पास स्टार एन फाइव लिखा हुआ है, एन जो दिया हुआ है ये एन क्या है, हो सकता है किसी लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स दिए गए इन्हें किसी वर्ड का पहला लेटर हो, दूसरा लेटर हो, तीसरा लेटर हो, या बीच में कोई एक लेटर हो, या फिर लास्ट लेटर हो। सिक्वेंस ये याद रखना है, पहला ढूंढो, लास्ट ढूंढो, फिर बीच में कोई एक ढूंढो, ये आपके पास सिक्वेंस हमारे पास होना चाहिए, ये हमारे पास सेगमेंट जाएगा जाएगा, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल हमें कहता है कि हो सकता है वह अपोजिट हो, अपोजिट लेटर किसका जो लेफ्ट साइड में वर्ड दिया, अपोजिट लेटर हो सकता है फर्स्ट लेटर का या फिर लास्ट लेटर का या फिर जस्ट अपोजिट, सॉरी अपोजिट कह रहा हूं, हमारे पास एनी का, एनी लेटर जो इन बिटवीन है उनका, ठीक है। यानी फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या बीच में किसी एक लेटर का हमारे पास क्या हो सकता है, वो अपोजिट लेटर करके लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार एन फाइव जो एन था वो लेफ्ट में कोई एक वर्ड हो जिसका लास्ट लेटर एम है, एम का अपोजिट एन करके लिखा गया, अपोजिट हो सकता है, लेकिन जो होगा सबके लिए अप्लीकेबल होगा, किसी किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए नहीं, ठीक है, सबके लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास होता है, अपोजिट लेटर के बजाय हमारे पास क्या होता है, प्लस या माइनस, ठीक है। तीसरा हमारे पास रूल बनता है प्लस या माइनस का, प्लस करके लिखा गया हो या माइनस करके लिखा गया हो, किसका, फर्स्ट लेटर में, फर्स्ट लेटर या फिर लास्ट लेटर या फिर बीच का कोई एक वर्ड जो लेटर है वो किसी एक लेटर को उठा के उसका हमारे पास प्लस माइनस करके लिखा हो। जैसे मैंने बताया स्टार एन फाइव, एन की वैल्यू होती 14, वो कोई एक वर्ड हो जिसके लास्ट में हमारे पास एल दिया हुआ, तो दो बढ़ाया ना, ऐसे हो सकता है कि अनदर का दो बढ़ा दिया, अनदर दो बढ़ा, सभी का दो दो बढ़ा दे या तीन कम कर दे, पहले का, लास्ट का, बीच में किसी एक लेटर का, या हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में लास्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू जोड़ के लिख दिया गया, वट एवर वे हो सकता है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। ये तीन चीजें हमारे पास होंगी लेटर्स के लिए। फिर से पहला रूल बोलता है कि आप सभी लोग फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या बीच में किसी एक लेटर को उठा के लिखा गया हो सके। दूसरा बोलता है अपोजिट लेटर हो, पहले का, लास्ट का, बीच में किसी एक का। तीसरा बोलता है प्लस या माइनस करके लिखा गया हो, पहले का, लास्ट का, बीच में किसी एक मेंबर का। तो हमारे पास ये तीन बेसिक रूल्स हैं, इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, लेटर के बाद नंबर। नंबर क्या फॉलो करता है भाई, नंबर हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करता है। नंबर्स क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। नंबर्स में सबसे पहला हमारे पास जो रूल फॉलो होता है वह फॉलो होता है, दैट इज तीन रूल होता है यहां पे भी, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। पहला रूल कहता क्या है कि हो सकता है जो हमारे पास वर्ड दिया गया है, जो भी हमारे पास वर्ड दिया गया है वह हमारे पास नंबर जो दिया गया है वो नंबर ऑफ लेटर दिया हो, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर का मतलब समझ रहे हो कि सपोज करो एक वर्ड दिया गया है दैट इज श्याम, पांच है ना, तो पांच लिख दिया गया हो कोड में, जैसे स्टार एन फाइव मैंने बोला था ना, वो फाइव क्या है, श्याम के लिए कोड किया गया नंबर ऑफ लेटर काउंट करके, वो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर हो गया। दूसरा हमारे पास हो सकता है प्लस या माइनस करके लिखा गया हो, किसका, हमारे पास फर्स्ट लेटर का या लास्ट लेटर का या फिर जस्ट अपोजिट, हाँ अपोजिट कह रहा हूँ, जस्ट हमारे पास जब फर्स्ट लेटर हो, लास्ट लेटर हो या फिर हमारे पास क्या हो, बीच में किसी एक मेंबर का, बीच में किसी एक मेंबर का, ठीक है, एनी लेटर, यानी बीच में किसी एक लेटर का हमारे पास
हुआ, ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस का मतलब ये हुआ, सपोज करो एम श्याम था, एम का 13 होता है ना, वो 14 लिखा हो, ठीक है, स्टार एन 5 ना लिखे, स्टार एन 14 लिखा हो, तो क्या हुआ, लास्ट लेटर में एक लेटर, एक नंबर बढ़ गया, प्लस या माइनस करके पोजिशन वैल्यू में यह बढ़ा घटा सकता है हमारे पास, ये हो गया। तीसरा रूल हो सकता है पोजिशन वैल्यू या फिर अपोजिट पोजिशन वैल्यू, पोजिशन वैल्यू हो सकता है या अपोजिट वैल्यू हो सकता है, किसका, फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट लेटर का या फिर लास्ट लेटर का या फिर बीच में किसी एक लेटर का, ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, बीच में किसी एक लेटर का हमारे पास ये होना चाहिए। ये तीन रूल फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहला हो सकता है नंबर ऑफ लेटर काउंट करके लिखा गया हो, दूसरा हो सकता है वो प्लस माइनस करके लिखा गया हो, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, बीच में किसी एक लेटर का, तीसरा हमारे पास हो सकता है पोजिशन या अपोजिट की पोजिशन वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट लास्ट या बीच में किसी एक मेंबर का। पोजिशन वैल्यू के साथ नंबर ऑफ लेटर का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया गया हो कि पोजिशन वैल्यू लास्ट लेटर हमारे पास वाई है जो कि 25 है लेकिन 28 लिखा हो, क्योंकि उसमें उस वर्ड लिखा हो एनी, एनी में नंबर ऑफ लेटर 3 और वाई का हो गया 25 और लिखा 28 है, तो नंबर ऑफ लेटर प्लस पोजिशन वैल्यू ऐड कर लिया गया लास्ट लेटर की, ये दोनों कॉम्बिनेशन, तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर प्लस माइनस करके लिखा गया हो, ठीक है, वही प्लस माइनस ही तो मैंने किया एक्चुअली, ठीक है, प्लस माइनस किया किसका, फर्स्ट उसमें नंबर ऑफ लेटर में और उसकी पोजिशन वैल्यू का, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास चल सकता है, ठीक है, इतना ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि उसमें जितने वॉवेल होते हैं ना, वॉवेल की पोजिशन वैल्यू सारे सम किया होता है, कभी ये अपर लेवल क्वेश्चन होते हैं, हम लोग देखेंगे, हम सभी लोग क्या है चेक करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वन बाई वन चेक करेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास सिंबल्स के लिए बात करें तो सिंबल्स के लिए हमारे पास दो ही रूल होते हैं, दो रूल, पहला हो सकता है वो जो सिंबल यूज किया गया है वो सिंबल यूज किया गया है नंबर ऑफ लेटर के लिए, नंबर ऑफ लेटर के लिए यूज किया गया, दूसरा हमारे पास क्या होता है, हो सकता है वो जो कोड यूज किया गया है कोड फॉर, ये कोड फॉर नंबर ऑफ लेटर हो गया, कोड फॉर फॉर फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या फिर बीच में किसी एक मेंबर के लिए, ठीक है, एनी लेटर यानी बीच में कोई भी एक, एनी लेटर मतलब बीच में किसी एक लेटर के लिए जो भी होगा कॉमन, जैसे थर्ड, थर्ड लास्ट हुआ सभी के लिए, थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट हुआ तो सेकंड लास्ट सभी के लिए, थर्ड वन तो सभी के थर्ड वन, इस तरीके से हमारे पास जा सकता है। तो फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर है, बीच में किसी एक लेटर के लिए हमारे पास हो गया, तो पहला हो गया भैया नंबर ऑफ लेटर के लिए, नंबर ऑफ लेटर के लिए कोड यूज किया गया, जैसे सपोज करो श्याम में 5 था तो 5 के लिए स्टार यूज कर लिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास, और हमारे पास हो सकता है एस के लिए स्टार यूज किया गया, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, बीच में किसी एक मेंबर के लिए हमारे पास सिंबल्स यूज किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ, अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है, तीनों रूल एक बार रिपीट कर लीजिए, एक बार ध्यान रख लीजिए ताकि एग्जांपल कराऊं तो आप करें। तो हमारे पास ये है एलएसएन कोडिंग, ये हमारे पास है लेटर्स के लिए रूल, ये हमारे पास नंबर्स के लिए रूल, ये हमारे पास है सिंबल्स के लिए रूल, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिर से एक बार, लेटर्स के लिए है फर्स्ट लास्ट या बीच में किसी एक मेंबर, अपोजिट हो सकता है फर्स्ट लास्ट या बीच में किसी एक मेंबर, तीसरा हो सकता है फर्स्ट लास्ट या बीच में किसी एक मेंबर के साथ प्लस माइनस करके लिखा हो, नंबर के लिए नंबर ऑफ लेटर हो सकता है, दूसरा प्लस माइनस करके फर्स्ट लास्ट या बीच में किसी एक मेंबर के लिए, और तीसरा पोजिशन वैल्यू या अपोजिट पोजिशन वैल्यू हो सकती है फर्स्ट लास्ट या बीच में किसी एक मेंबर के लिए। सिंबल के लिए नंबर ऑफ लेटर के लिए कोड यूज किया गया हो, या फिर दूसरा रूल है कि कोड यूज किया गया फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या बीच में किसी एक मेंबर के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ दिया गया है, एक मिनट के लिए मैं पॉज हो रहा हूँ, तो जल्दी से अपने से एक बार क्वेश्चन कमेंट करके बताओ कि क्या होना चाहिए, अगर सपोज करो यहाँ श्याम का कोड निकालना हुआ तो, श्याम का कोड मत लिखाओ, कृष्ण का कोड निकालो, कृष्ण का,
चलिए, आप सभी लोगों ने यहाँ पे एक बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा, थोड़ा दिमाग लगाया होगा, तो चलिए आइए देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। देखो आप एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि क्या कोड किस तरीके से निकलेगा। नीचे सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा होगा कि सिंबल्स कैसे यूज किए गए, नंबर्स कैसे है, लेकिन मैं कैसे चेक करूंगा आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन था, ये सोल्यूशन है हमारे पास, और हम सभी लोग बारी बारी हम लोग चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज दिया हुआ। ध्यान से देखिए, हमारे पास सिंबल ये एक आपको सेट उठाना है, कोई भी एक एडवांस कोडिंग डिकोडिंग का हमारे पास होगा, तो आपको सीधा पिक करना है। यहाँ पे हमारे पास आप उठाइए सिंबल, नंबर और लेटर, ये तीनों के तीनों एक साथ आपने उठाया। सबसे पहले आपने क्या एक हमारे पास लेटर, लेटर क्या दिया हुआ W। अब W आप लोग ढूंढना स्टार्ट करिए, W कहाँ है पूरे सेगमेंट में। हमने देखा लास्ट लेटर है यहाँ पे, फिर उस हिसाब से L भी लास्ट लेटर में मिलना चाहिए, यस मिल रहा है, क्योंकि तीन रूल थे, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या बीच में किसी एक। तो स्टार्टिंग में किसी का W से नहीं था, लास्ट लेटर हमने चेक किया, यस यहाँ पे है। फिर हमारे पास L आया, फिर हमारे पास G आया, फिर हमारे पास N आया, तो हमें क्लियर हो गया लेटर जो यूज किया गया है वो लास्ट लेटर यूज किया गया है। देखिए लास्ट लेटर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसे, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ। अब दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर्स के पास पहुंचना चाहिए। अब इससे फायदा क्या हुआ आपको, एक बात समझ में आ जाना चाहिए, इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि आपको पता चल जाएगा अलग अलग वर्ड का, किस वर्ड का क्या कोड है। फॉर एग्जाम्पल रॉ का हो गया एट द रेट 4W, और मटेरियल का कोड हो जाएगा %9L, किंग का कोड हो जाएगा हमारे पास हैज 13G, और फन का कोड हो जाएगा एस्ट्रिक 24N। लीटर क्लियर हो गया अपने पास। अब दूसरा हमारे पास है नंबर के लिए, और नंबर्स के लिए भाई, और नंबर हमारे पास क्या है 4, नंबर ऑफ लेटर 3 था लेकिन ये 4 लिखा हुआ, एक बढ़ा के लिखा हुआ है। हमारे पास मटेरियल, मटेरियल में नंबर ऑफ लेटर हमारे पास 8 था लेकिन 9 किया गया, एक बढ़ा के किया गया, लेकिन किंग में 4 था इसमें 9 बढ़ा दिया गया है, फन में 3 था इसमें 21 बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान से जो ये वर्ड बोली गई ना, जैसे कि 3 थे और एक बढ़ाया गया, एक क्या बढ़ाया गया, ये सेकंड लेटर की पोजीशन वैल्यू तो बढ़ाई गई। हमारे पास इसमें कितना, मटेरियल में 8 थे 9 बढ़ाया गया, तो ये सेकंड लेटर की पोजीशन वैल्यू तो बढ़ाई गई। किंग में 4 था 9 बढ़ाया गया, 9 क्या था, यह सेकंड वाली की पोजिशन वैल्यू। फन में टोटल 24, 3 थे 21 बढ़ाए गए, क्या यू की वैल्यू तो बढ़ाई गई। तो जाहिर सी बात है एन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर प्लस पोजीशन वैल्यू ऑफ, पोजीशन वैल्यू ऑफ सेकंड लेटर, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर की पोजीशन वैल्यू में नंबर ऑफ लेटर हमारे पास क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, और हमारे पास नंबर बन गया। सभी में यह चीज अप्लीकेबल है, सभी में, तो नंबर्स का भी हमें क्लियर हो गया। अब तीसरा सेगमेंट हम लोग जाने वाले हैं, दैट इज सिंबल्स। तो सिंबल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा सिंबल्स के लिए भाई एक रूल तो हमने बताया ही था, ये रहा रूल हमने बताया ही था, नंबर ऑफ लेटर या कोड ऑफ फर्स्ट लास्ट या एनी लेटर। तो इसका भी एक शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बता दूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं शॉर्टकट का भी शॉर्टकट सीखेंगे हम लोग। शॉर्टकट ये है कि ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स कॉमन लेटर से ही स्टार्टेड हैं, और राइट साइड में जो सिंबल्स हैं वही सिंबल्स चारों सेंटेंस में चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर एम के एफ, ये चार लेटर से वर्ड चल रहे, आर एम के एफ यहाँ भी है, आर एम के एफ यहाँ भी है, आर एम के एफ यहाँ पे भी है। यही रूल फॉलो हुआ था 2016 में, जब सबसे पहली बार IBPS PO ने LSN कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन दिया था। रिवर्स एलोकेशन भी उसी पेपर में था, पहली बार ऐसा हुआ था, बच्चों की हालत खराब हो गई थी। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही मैं आपको क्लियर, उस समय भी मैं पढ़ाता था, उस समय भी ये सारे शॉर्टकट्स, आज भी मैं बता रहा हूँ ये चीज ऐसा जाएगा। तो क्लियर हो गया सिंबल क्या होगा, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर सभी में कॉमन है, और इधर भी देखो एट द रेट परसेंट हैज एस्ट्रिक, यही चारों सिंबल हमारे पास सभी में जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो कॉमन लेटर से चल रहे हो तो उन्हीं कॉमन लेटर्स के लिए ही वो सिंबल यूज हुए होंगे, यानी कोड फॉर फर्स्ट लेटर है ये, कोड फॉर फर्स्ट लेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर का यहां पर एट द रेट हो गया, एम का परसेंट, और के का हैज, एफ का एस्ट्रिक, ये सभी पे होगा, कहीं भी क्रॉस चेक कर लो। सपोज करो यहां किन में स्टार्ट करते हैं, एन वाला देखो, और किसी में एन है नहीं, एन वाला कहाँ है, हमारे पास ये रहा हैज 12N, ये दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है हमारे पास हैज 12N, नंबर ऑफ लेटर प्लस 9, 12 हो गया, और के लिए हैज यूज हुआ, यहाँ भी के के लिए क्या यूज हुआ हैज यूज हुआ है। तो दैट्स इट, एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको सारे रूल्स क्लियर कर दिए। एक बार और रूल सारे देख लीजिए, ये सारे रूल्स हमारे पास, पढ़ लेना बाद में बेटा, एक एक रूल लिख लेना अपनी कॉपी पे। यही सोल्यूशन मैंने नीचे लिख दिया हुआ है, सिंबल, सिंबल क्या है, फर्स्ट लेटर कोड के लिए, जैसे आर के लिए एट द रेट, एम के लिए परसेंट, के लिए हैज, और एफ के लिए एस्ट्रिक।
नंबर है सम ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एंड द अल्फाबेट ऑर्डर ऑफ सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है. थर्ड जो लेटर लेटर के लिए जो है वो लेटर, थर्ड लेटर इज द कोड इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है. तो आप सभी लोगों को पता हो गया होगा 1 and 3 रूल पे बेस पे मेरा पजल का कोर्स आ चुका है, उसे अवेल कर लें आज के आज ही, अभी के अभी ही, तुरंत के तुरंत ही. ये जैसे सेशन कंप्लीट हो जाए तुरंत आप जाएं और अनअकैडमी प्लस पे जाकर आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, और एक साल का सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट ले लेना ताकि SA जब यूज करें तो 10% डिस्काउंट हो जाए, आपको 5000 ना देना पड़े. कल से शायद प्राइस चेंज होने वाली है, तो उसके पहले पहले आप सभी लोग इस सेशन को क्या कहते हैं, इस कोर्स को अवेल कर लें, ठीक है. तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कर लें. कल से ये स्टार्ट हुआ था, पहली क्लास है. कल मैंने थोड़े से बेसिक रूल्स वगैरह बताए थे. अभी फिलहाल आप लोग धमाल मचाइए, उम्दा प्रदर्शन करिए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है मुझसे कम्युनिकेट करिए. थैंक यू वेरी मच, बाय. अपना ख्याल रखिए और जम के मेहनत करते रहिए, शेयर करके सेशन को हर जगह, हर गली, हर मोड़ पर पहुँचाइए. थैंक यू वेरी मच, बाय. अपना ख्याल रखिए.